फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय बर्थडे ब्लॉग। मुझे देखो, तो मेरा बर्थडे ब्लॉग है एंड अभी रात के बज रहे हैं, दो मिनट दिखाता हूँ। अभी रात के 1:25 हो रहे हैं, 1:25 हो रहे हैं। ये देखो, अरे रात के हैं हम यहाँ पे, रात के 1:30 बजे रात हो रही है। रात नहीं है, देख लो, दिखा आपको खुशी ना, रात हो रही है। इसका मतलब रात के 1:30 बजे हम चाय और ब्रेड खा रहे हैं। ये देखो हमारे ब्रेड बटर प्लस चाय 1:30 बजे 1:30 बजे की चाय और ब्रेड बटर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेमा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। और आज है अन्ना महाजन का बर्थडे, तो आज हम करेंगे सेलिब्रेट, करेंगे पार्टी। और अन्ना का देखो डेकोरेशन मैंने कैसे किया, वाओ। ये है अन्ना महाजन की डेकोरेशन, ये हमने रात को 12 बजे की थी, 12 बजे से पहले कर ली थी। और रात को उसका केक कटवाया था हमने, जो रात को 12 बजे, और वो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने बर्थडे को लेके। तो इसलिए हमने उसका बर्थडे रात को भी केक कट करवाया था, और आज फिर होगा, रात को होगी पार्टी। क्या हाल है, ये देखो, ये बंदा जो सारे दिन उल्टी सीधी हरकतें करता है ना, आज ये डर के मारे यहाँ बैठा हुआ है बेड पे, लॉबी में नहीं जा रहा, पूरे घर में कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ यहीं बेड पे बैठा है या डाइनिंग टेबल के नीचे बस। और ये देखो इसकी चल रही है खुदाई। अरे अभी देखो बज रहे हैं 10:15, अर्णव है ऑनलाइन, अर्णव की चल रही है ऑनलाइन क्लास अभी, और उसके बाद करेंगे मस्ती 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 मस्ती, पूरे दिन चलेगी मस्ती। देखो आ गया, आ गया बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय आ गया, बर्थडे बॉय जरा हाय हेलो कर लो। रात को मजा आया, हम लोग कहीं गए हुए थे और एग्जैक्ट बिल्कुल 11:59 पे हमने एंट्री ली है घर के अंदर, एग्जैक्ट है ना, मजा आया ना। अब 12 बजे हमने अर्णव को दिया सरप्राइज, अर्णव को लग रहा था हम नहीं पहुंच पाएंगे, और अर्णव का मुंह बन गया था कि पता नहीं क्या होगा आज, मेरा सारा स्पॉइल हो जाएगा, पर हमने ऐसा नहीं होने दिया। हम एकदम से बिल्कुल 11:09 पे हम लोग रात को पहुंच गए यहाँ पे, फिर हमने की पार्टी। पार्टी किया मैंने अर्णव ने रात को, और आर्यन ने केक काटा, हम तीनों ने मिलके। और उसके बाद में नींद भी नहीं आ रही थी, इतना एक्साइटमेंट हो रखा था, तो हमने ब्रेड बटर और चाय बना के खाई है, चाय पी और ब्रेड बटर खाया बना के, नींद नहीं आ रही थी। और ये ऐसा मैंने पहली बार किया, मैं कभी नहीं करती रात को खाना नहीं खाती, मतलब इतना लेट नहीं खाती। और कल तो पता नहीं क्या किया हमने ना, बहुत मस्ती की हमने, तो मेरे बाल उड़ गए सारे। करते हैं पार्टी फिर, और दिखाते हैं आपको कि हमने क्या क्या किया, क्या शॉपिंग की। आज ये अर्णव का बर्थडे चल रहा है, दो वीडियोस में लगातार दो दिन चल रहा है। आ गई हूँ मैं फ्रेंड्स किचन में, और यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं आज चाउमीन बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो ये मैंने ऑयल डाला रिफाइंड, और इसमें प्याज और लाल और पीली शिमला मिर्ची डाली है, मेरे पास गाजर वगैरह नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। और इसमें डाल दिया काली मिर्च, उसको थोड़ा सा भून के, अब यहाँ पे जो नूडल्स उबाल के रखे थे मैंने नमक डाल के उनको छान के, और मैंने यहाँ डाल दिया। मैंने इसमें डाला है विनेगर 1 चम्मच, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच डालूँगी यहाँ पे सोया सॉस, ये डार्क वाली है इसलिए मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। और इसमें डालूँगी कैचअप 2 चम्मच, और कैचअप डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद देखो ये ऐसी बन गई है, और ये बनकर तैयार हो गई है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। केक कटिंग सेरेमनी के बाद अब हम घर से आ गए थे किसी रिजॉर्ट में, और अंधेरा यहाँ पे, लाइटिंग कम थी इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखो हमने कितना सारा खाना खाया है, बाप रे इतना खाना,
और ये स्नैक्स खा रहे थे हम लोग। इसके बाद हमने डिनर किया था। ये आर्यन और अर्नब घूम रहे हैं फ्रेडी को लेके। और ये देखो यहाँ पे बहुत बाहर के कोई भी लोग नहीं थे, मेरे घर के लोग थे, मेरी दोनों सिस्टर्स और उनकी फैमिलीज और मेरा भाई, बस इतने ही लोग थे। बहुत ज़्यादा बाहर का किसी को नहीं बुलाया था क्योंकि आजकल कोरोना करके चल रहा है। और ये है वहाँ का रिजॉर्ट जहाँ पे मैं रहती। और बाद में पता है क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि यहाँ पे रात को ये रिजॉर्ट बंद कराने पुलिस आई थी क्योंकि बहुत देर तक खुला खुला हुआ था। रात को 11 बजे तो हम लोग ही गए थे। उसके बाद हम लोग के निकलने, जैसे हमारी गाड़ी निकली है वैसे ही 3 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी बंद कराने के लिए। अच्छा हम लोग पहले ही निकल गए थे। तो मैं दिखा रही थी आपको रिजॉर्ट जहाँ पे अर्नब की पार्टी की थी मैंने। बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ था। देखो सारे के सारे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, किसी को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे ये लोग पार्टी में नहीं, पता नहीं कहाँ ही आए हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है अगले दिन की सुबह, 8 बज गए हैं। और सॉरी, 8 जुलाई है, 8 बज गए नहीं, 8 जुलाई है। सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के बैठी हूँ, लेकिन नाश्ता वास्ता हो गया है, लेकिन अभी लग रही है आंखों में नींद भरी हुई है, बहुत थकान हो रही है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि आप जरा सा भी कुछ फंक्शन करो ना तो ऐसे नींद आती है कि जैसे पता नहीं कितना काम करके हम चुके हैं, जबकि कुछ नहीं ऐसा करना था मुझे घर पे, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, नाश्ता बनाया था चाउमीन, और उसके बाद फिर मैंने शॉपिंग एक दिन पहले हो गई थी। लेकिन हाँ, हम लोग 6 की रात को भी सोए नहीं थे। आपको बताया था कि रात को 1:30 बजे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट में। अर्नब बहुत खुश थे और मैं उसकी खुशी को मैं भी इंजॉय कर रही थी साथ में उसके। तो और अगले दिन फिर 11 बजे तक तुम रिजॉर्ट में थे। मैंने बताया था कि पुलिस वगैरह जो आई थी बाद में बंद कराने के लिए, तभी बंद हुआ। तो उसके बाद फिर हम लोग घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा तो लग जाता है। बाद बीच में रास्ते में आइसक्रीम खाने सब रुक गए थे बच्चे वगैरह, तो इसलिए फिर क्या कहते हैं 12 तो बज गए थे हमें आते आते घर पे। और उसके बाद फिर एकदम से तो सोया भी नहीं जाता, तो लेट हो गए थे। तो 2 दिन की ऐसे आंखों में नींद भरी हुई है ना कि आंखें खुलने को तैयार नहीं है अभी भी। मजे तो बहुत किए, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों के बाद अर्नब का इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद ये उसका थर्ड बर्थडे है। और इससे पहले जो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती थी वो मैं काशीपुर, जहाँ से मैं बिलोंग, मतलब मेरा ससुराल है, यहाँ मैं पहले रहती थी 1 साल पहले तो हस्बैंड के साथ में। तो वहाँ पे हस्बैंड के जाने के बाद मेरा इसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट हो पाता था क्योंकि मैं स्टाफ के साथ में ऐसे ही शोरूम पे ही केक कटिंग करवा देती थी इसकी, बस और कुछ नहीं होता था 2 सालों से एक्चुअली। और इस बार मैंने इसका अच्छे से सेलिब्रेट किया है, मैं इसको खुश करना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब किया। तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, और आप भी देखिए एक सिंगल मदर किस तरह से अपने बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ को इकट्ठा करती है और सेलिब्रेट करती है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग वीडियो का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ आप अर्नब को ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो खुश रहे, तरक्की करे और पढ़ाई में अच्छा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।